भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है। श्री आदित्यनाथ बनाम अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार अब केवल प्रदेश में हो रही हत्याएं, अबोध बेटियों और बच्चियों से बलात्कार, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, कब्जे, संगठित अपराध और सब कुछ सरकार के संरक्षण में उसके लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में लगता है कि संविधान और कानून का नहीं, अपराध का शासन है। जिस प्रकार से 17 जुलाई 2019 को मूर्तिया गांव सोनभद्र में 3 महिलाओं सहित 10 आदिवासी परिवारों के लोगों की दिन दहाड़े 200 व्यक्तियों द्वारा बंदूकें, भाले, लाठियां लेकर जिस प्रकार से उन्होंने आक्रमण कर 10 आदिवासियों की हत्या की, 28 को चोटें पहुंचाई, ये दिखाता है कि संगठित अपराध आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी की नाक के तले उनकी इशारे से पनप रहा है। और आज जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उन आदिवासी परिवारों के जिन्होंने 10-10 परिवारजन खोए उस दुर्दांत आतंकी हमले में उनके आंसू पोंछने के लिए गई थी, तो बजाय अपराधियों को सजा देने के आदित्यनाथ सरकार ने अपनी क्रूरता और अपराध का संरक्षण का परिचय देते हुए कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा है। दोस्तों, इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं क्या अपराध से पीड़ित लोगों के आंसू पहुंचना अब इस देश में अपराध है? क्या 3 लोगों के साथ चौथी श्रीमती प्रियंका गांधी स्वयं उनके साथ कानून की अनुपालना में धारा 144 का उल्लंघन किए बगैर उन परिवारों के पास जाकर मिलना अब अपराध बन गया है? क्या गुंडागर्दी, दबंगई, गुंडई, जमीनों पर कब्जे और संगठित अपराध उनका बोलबाला चलेगा या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन चलेगा?